नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि फेस वॉश कैसे करें और कैसे बनाएं और कैसे लगाएं। तो दोस्तों, कई बार हम चेहरे को धोते समय कुछ बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, जैसे कि त्वचा के अनुसार सही प्रोडक्ट्स का प्रयोग न करना वगैरह। तो इन बातों पर ध्यान ना देने से त्वचा पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि पिम्पल्स या फिर रैशेज भी हो सकते हैं। अगर त्वचा को सही तरह से धोया जाए तो स्किन से डेड सेल और गंदगी दूर हो जाती है, जिससे कि चेहरा साफ हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि चेहरे को धोते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि फेस वॉश करने और लगाने का तरीका क्या है। दोस्तों, फेस वॉश करने और लगाने के लिए कुछ टिप्स के बारे में बताएंगे, जिनके इस्तेमाल से आपका चेहरा स्वस्थ लगने लगेगा। दोस्तों, ज़्यादा कठोर केमिकल्स वाला फेस वॉश या अल्कोहल की मात्रा जिसमें न हो, ऐसा फेस वॉश का चयन करें। अपने चेहरे को गुनगुने पानी से धोएं और फिर फेस वॉश लगाने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करें। अब फेस वॉश को अच्छे से लगाने के लिए साफ कपड़ा, मैश स्पॉन्ज या कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस वॉश लगाने के बाद स्क्रब ना करें, क्योंकि स्क्रब करने से आपकी त्वचा पर इरिटेशन हो सकती है। बस आराम आराम से चेहरे पर फेस वॉश लगाएं, फिर चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें और फिर मुलायम तौलिया से त्वचा को सुखा लें। अगर आपकी त्वचा रूखी है या किसी भी प्रकार की खुजली होती है तो आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। आँखों के आसपास क्रीम को अच्छे से लगाएं और इस क्षेत्र पर ज़्यादा रगड़कर क्रीम ना लगाएं। पूरे दिन में सिर्फ दो बार फेस वॉश करें या पसीना आने के बाद फेस वॉश करें। एक बार सुबह फेस वॉश करें और एक बार रात में फेस वॉश करें। साथ ही पसीना निकलने के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फेस वॉश का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं दोस्तों फेस वॉश बनाने की विधि। तो जिन लोगों की त्वचा रूखी होती है वो अक्सर केमिकल वाला फेस वॉश इस्तेमाल करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी त्वचा और भी रूखी हो जाएगी। तो केमिकल वाले फेस वॉश की जगह आप घर के बने फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे चेहरे का प्राकृतिक मॉइस्चर बना रहेगा। साथ ही ये सभी तरह की त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद भी है। सबसे पहले बात करें बेसन से बने फेस वॉश की, तो आपको बेसन को दूध, दही या मलाई के साथ मिलाएं, जिससे कि एक पैक तैयार हो सके, और फिर इसे अपने पूरे चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे मसाज करें। अब पैक को 15 मिनट तक ऐसे ही लगा हुआ रहने दें, तब तक जब तक ये अच्छे से सूख ना जाए, और फिर उसके बाद फेस वॉश को ठंडे पानी से धो लें। अगर हम बात करें टमाटर से बने फेस वॉश की, तो सबसे पहले 2 चम्मच टमाटर के गुदे को 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच नींबू के जूस के साथ मिला दें, और अब इस फेस वॉश को चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट तक ऐसे ही लगा हुआ रहने दें, और फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो दें और आप बचे हुए फेस वॉश को संभाल कर भी रख सकते हैं। अगर हम बात करें दूध और चनों से बने फेस वॉश की, तो चने के आटे के 5 से 6 चम्मच को 2 चम्मच कच्चे दूध और 1 चम्मच हल्दी के पाउडर में मिला लें, और एक मुलायम पेस्ट तैयार होने के बाद फिर इसे पूरे चेहरे पर लगा लें और अब चेहरे को 10 मिनट के बाद धो दें। अगर हम बात करें दूध और शहद से बने फेस वॉश की, तो 1 चम्मच शहद को 2 चम्मच कच्चे दूध के साथ मिला लें और फेस वॉश तैयार होने के बाद इसे त्वचा पर लगा दें। फिर 2 से 3 मिनट तक इससे त्वचा पर मसाज करें और फिर इसे गर्म पानी से धो दें, और ये फेस वॉश आपकी त्वचा को गोरा बनाएगा और चेहरे से तेल को दूर करेगा। अगर हम बात करें शहद और अंडे से बने फेस वॉश की, तो सबसे पहले एक अंडे की जर्दी लें और 1 चम्मच शहद को उससे मिला लें। अब 6 से 7 बादाम का एक पेस्ट तैयार करें और फिर अंडे और शहद के बनाए गए मिश्रण में इसे मिला दें और अच्छे से पूरे पैक को मिला लें और फिर इसे चेहरे पर लगा लें। 10 से 15 मिनट के लिए इसे ऐसे ही लगा हुआ रहने दें और जिससे पैक अच्छे से सूख जाए, और अब चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। अब बात करते हैं क्रीम और सेब से बना फेस वॉश। तो सबसे पहले छोटे आकार के सेब को उबाल लें और फिर इसे चम्मच से मैश कर लें। सेब को मैश करने के बाद इसमें 1 चम्मच क्रीम, 1 चम्मच जैतून का तेल और 1 चम्मच नींबू का जूस या संतरे का जूस मिलाएं, और यह सभी सामग्रियों को अच्छे से मिलाने के बाद एक मुलायम पेस्ट तैयार कर लें, और अब इस पैक को चेहरे, माथे और गर्दन पर अच्छे से लगा लें। 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही लगा हुआ रहने दें और फिर त्वचा को गर्म पानी से धो दें। अब दोस्तों बात करते हैं फेस वॉश को उपयोग करने के लिए कुछ टिप्स की। तो दोस्तों, दैनिक उपयोग के लिए हल्के फेस वॉश की अगर हम बात करें, तो हमेशा चेहरे के लिए सही प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। फेस वॉश का इस्तेमाल त्वचा के प्रकार के अनुसार अलग हो सकता है, लेकिन ध्यान रहें कि फेस वॉश या क्लींजर जलन पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए। भूलकर भी अपने चेहरे पर साबुन का प्रयोग ना करें, क्योंकि यह आपके चेहरे पर ड्राइनेस और जलन की वजह बन सकता है। एलर्जी से बचने के लिए बिना खुशबू वाले हल्के फेस वॉश का प्रयोग किया जाना चाहिए। फेस वॉश के लिए सही तापमान का पानी उपयोगी है। सही तापमान के पानी का उपयोग करें। बहुत गर्म और बहुत ठंडा पानी का उपयोग अत्यधिक शुष्क त्वचा या परतदार त्वचा का कारण हो सकता है। दिन में 2 बार अपने चेहरे को वॉश करना है। सर्दियों में कम से कम दिन में 2 बार और गर्मियों में 3 बार फेस वॉश का उपयोग करें। चेहरे को धोने के तुरंत बाद धूप में बाहर जाने से बचें। सनस्क्रीन लगाने के लिए समय निकालें।
वॉश के बाद चेहरे को ना रगड़े, धोने के बाद कभी भी तेजी से अपना चेहरा ना रगड़े, सॉफ्ट से तौलिए के साथ धीरे से चेहरे को मोप करें और फेस वॉश के बाद 3 मिनट के भीतर शुष्क त्वचा वाले क्रीमी मॉइस्चराइजर और मुहासे वाली त्वचा वाले के लिए ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर का उपयोग करें। मेकअप हटाने के लिए फेस वॉश का उपयोग ना करें, मेकअप हटाने के लिए फेस वॉश का उपयोग नहीं करना है। मेकअप हटाने के लिए एक रिमूवर या यहाँ तक कि एक अच्छे मॉइस्चराइजर का प्रयोग करें, फिर फेस वॉश के साथ इसे धो लें। कुछ लोगों को क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर रूटीन का पालन करना पसंद है और यह रूटीन हर किसी के लिए काम नहीं करता है, क्योंकि कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है क्योंकि वे शराब बेस्ड हो सकती है। हमेशा यह देखने के लिए कि क्या वे शूट करते हैं, 48 से 72 घंटों के लिए कान के पीछे प्रोडक्ट्स का उपयोग करें और वो फिर उनका उपयोग करना शुरू करें। उसके बाद दोस्तों, फेस पर साबुन का प्रयोग ना करें। फेस वॉश की जगह साबुन एक अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि ये त्वचा के पीएच स्तर को संतुलित नहीं करती है। कुछ लोग फेस वॉश का उपयोग ना करके साबुन का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। साबुन एक बहुत प्रभावी क्लींजर नहीं है और ब्लैक हेड्स या रोम छिद्रों को जन्म दे सकते हैं, और इसीलिए फेस वॉश सर्वोत्तम विकल्प है। चेहरा जो है वो शरीर का दर्पण होता है। चेहरे की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए फेस वॉश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसीलिए हमें अपनी त्वचा के अनुसार ही फेस वॉश का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।